चार महीना कमेटी को गठित हुए हो गया और अभी तक ना कोई रिपोर्ट है और ना ही कोई जवाब दे रही है। प्रॉपर कमेटी वर्क कर रही है, आपके हेड को बुलाया गया, दिल्ली के हेड को बुलाया गया, दिल्ली के प्रोफेसर बुलाया गया, हिंदी के लड़कों को बुलाया गया, सारे लोग लीडर आम लोगों को नहीं बुलाया गया। देखो एक चीज बता दे, आ जाए चाहे कभी भी डिसीजन है, अगर आपके फेवर में आएगा तो, अगर आपके फेवर में आता है तो आपके एडमिशन होंगे। ये तय ऐसे नहीं होता है ना। नहीं भैया, तो एक चीज और भी ऐसे नहीं, प्रोटोरियल बेड को भेज दिया जा रहा है यहाँ पे, जाइए आप। भाई हम तो आए हैं कि गेट बंद न हो, सिक्योरिटी का इशू है, हम इसलिए आए। हमारा बाकी आपके जो पॉइंट है, हमारा काम है कि हम उस पॉइंट को ऊपर पहुँचाए। सर जिस चीज के लिए हमारा ये काम नहीं है कि हम आपको टीचर हमारे लिए क्यों नहीं थी 28 नौ को मैं दिया हूँ। हम क्या विभागीय नहीं है? 28 नौ को दिया हूँ कि सीट नहीं आनी चाहिए। क्यों आया? 2 महीना पहले मैं दिया हूँ और कागज है मेरे पास। 2 महीने के अंदर मुझे रिपोर्ट नहीं मिला, मैं कागज दिया हूँ। ये दुकान में चोरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। एक महीने की भैया हम रिपोर्ट नहीं मिला। अभी PhD में धाती हुआ है, चोरी हुआ है, उसके बाद अभी वो रिपोर्ट आया नहीं, फिर से दोबारा PhD करवा रहे। क्या आप सर्कुलेशन बनाएंगे? किस आधार पे फिर से PhD करेंगे? हो सकता है फिर इस बार अभी अभी, अभी देखिए 17 सीट निकाली गई है, अभी फॉर्म भरे जाएंगे। मेरा नाम अबराज अहमद है, मैं AIC डिपार्टमेंट से हूँ। अबराज जी, किस तरह का आज आप लोग का धरना प्रदर्शन? आज हम लोग का धरना जो है वो इसलिए है कि अब कमेटी जो बनी है वो कमेटी जल्द से जल्द रिपोर्ट दे, और जो नया विज्ञप्ति आया है मतलब एडमिशन PhD के लिए नया, तो उसको रोकने के लिए चार डिपार्टमेंट, AIC डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट, सोशियोलॉजी और जियोग्राफी के लिए हम लोग आए हुए हैं, ताकि अभी जो पुरानी चीज़ें जो धाधली हुई हैं अभी वो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई और फिर से एक नया धाधली करने के लिए लोग तैयार हो गए हैं। तो क्या आप लोग मांग करते हैं? मांग हम लोग यही कर रहे हैं, जल्द से जल्द रिपोर्ट आए, उसके बाद जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तब तक ये PhD का रुका रहे, नई विज्ञप्ति ना आए। तो यहाँ पे आप लोग आए कोई वार्ता के लिए आए, आप लोगों से कुछ बातचीत? अभी हम देखें जैसे कि पीछे अभी जो कमेटी, फाइंडिंग कमेटी के जो अध्यक्ष कन्वेनर हैं कृष्णन सर, वो अभी सेंट्रल ऑफिस में अंदर गए हैं, ऊपर कंट्रोलर हैं। अभी HOD मैम को भी हम लोग बुला रहे हैं कि HOD मैम आए और यहाँ पे मिल के बात करें और जल्द से जल्द हम लोग रिपोर्ट आए, और नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दे। अगर उनसे काम नहीं संभाला जा रहा है और धाधली पे धाधली अगर उनको करना है तो इस्तीफा दे। अब मालवीय जी के मूल्यों से वो कोई समझौता नहीं होगा। मेरा नाम पवन कुमार सिंह है, हिंदी विभाग का छात्र था, अभी PhD के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। पिछले 4 महीना से रिजल्ट आया इन लोग के पास और मनमाने तरीके से रिजल्ट बनाते हैं लोग, और कमेटी जब गठित होती है उसके लिए, और आज तक कोई कमेटी रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की है, और नया नोटिफिकेशन आ गया है, नया विज्ञप्ति आया है कल का, तो इसमें हम लोग काफ़ी आहत है इससे। ये लोग चाहते हैं कि हमारे ही कार्यकाल में एक बार और धाधली पूर्ण तरीके से PhD में एडमिशन लें अपने बच्चों का। मनमाना तरीका ये लोग जान ही गए हैं कैसे करना है, सेंट्रल ऑफिस कोई मदद करता नहीं है हम लोग का, और पिछले 4 महीने से एक, अब क्या कहा जाए, कमेटी कैसी बनी है कैसी नहीं, वो रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं हो रही है, कर विभाग तुम्हारा मदद नहीं कर रहा है, हम लोग क्या करें। तो आज हम लोगों ने नोटिफिकेशन को रोकने के लिए सेंट्रल ऑफिस बंद किया है ताकि नोटिफिकेशन रुके और हम लोग के साथ अन्याय हो सके। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।